हे गाइस, तो रोजगार पंजीयन को लेके आप सभी के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई रोजगार पंजीयन की वेबसाइट क्रैश हो चुकी है, आपने इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो जी हाँ मेरे भाई, वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि आप लोग को अपडेट पता चल चुका था, लेकिन मेरे भाई इस वीडियो में आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे भाई, तो यदि आपका अभी तक भी रोजगार पंजीयन नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की डेट बढ़ने वाली है। जी हाँ मेरे भाई, और जिनके भी पास रोजगार पंजीयन है दोस्तों, वह जो 30 जनवरी से पहले पहले एमपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना। तो दोस्तों क्या है पूरा अपडेट, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला। तो दोस्तों ये रहा ऑफिशियल अपडेट, बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा ही देख कर जाना। माई एमपी रोजगार पोर्टल पर हो रहा पंजीयन, रोजगार आयुक्त श्रीमती मिश्रा जी ने यहाँ पे कुछ बताया है। क्या बताया कि आयुक्त रोजगार मंत्री सरमुख प्रिया मिश्रा ने कहा है कि माई एमपी रोजगार पोर्टल के सर्वर की गति बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, यानी दोस्तों सर्वर है जो उसको बढ़ाने की कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस आरक्षक भर्ती की तिथि को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। दोस्तों इसकी सूचना पीवी की अधिकृत वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आवेदन करने की तिथि को यहाँ पे बढ़ाने की इन्होंने बताया है, और साथ में ये भी बताया कि आप है जो पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी है जो आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन दोस्तों जब भी ये चीज इसकी आगे बढ़ेगी तो मैं आपको इसके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। श्रीमती ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि आवेदकों को इस संबंध में सूचित किया जाए कि उनके हितों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। यहाँ पे क्लियर बता दिया कि भाई सभी कलेक्टरों को भी आदेश दे दिया है कि भाई पुलिस भर्ती की यहाँ पे जो डेट बढ़ने वाली है और इसके जो सूचना कहाँ मिलेगी, पीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और जब भी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों देख लीजिए, सर्वर की गति बढ़ाने की यहाँ पे प्रक्रिया जारी है। ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने कुछ बताया है। श्रीमती मिश्रा ने बताया है कि माई एमपी रोजगार पोर्टल पर प्रतिदिन पंजीयन का कार्य नियंत्रण जारी है। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट अभी चल रही है लेकिन है ना बहुत ही स्लो वर्क कर रही है, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रही। ठीक है, वेबसाइट तो वर्क कर रही है, आप अपना जो रोजगार पंजीयन का प्रिंट आउट है जो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन है, बाकी मतलब अपन बात करें तो प्रॉपर तरीके से जो पहले थी उस तरह की यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए आवेदन में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता के कारण आवेदकों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यदि यानी कि दोस्तों पुलिस भर्ती आई है तभी है जो रोजगार पंजीयन है जो करने वालों की संख्या में यहाँ पे वृद्धि हुई है। पोर्टल के सर्वर में एक समय एक साथ 70,000 से अधिक आवेदन हिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बता दें कि एक साथ में जो 75,000 से अधिक लोग यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं, इस कारण वेबसाइट बहुत धीमी हो गई है और आवेदकों की पंजीयन में परेशानी होती है। श्रीमती मिश्रा ने आवेदकों से कंप्यूटर अथवा लैपटॉप से पंजीयन करने, ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करने, फास्ट इंटरनेट स्पीड तथा समय अनुसार लॉगिन कर एक्टिविटी करने का आग्रह भी यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये पूरा अपडेट था, आप लोग देख लीजिए। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की डेट बढ़ने वाली है, रीजन क्या है कि रोजगार पंजीयन नहीं हो पाना। तो रोजगार पंजीयन नहीं हो पाना तो बिल्कुल जो उसकी वेबसाइट पर भी काम चल रहा है, और एक साथ जो इसमें 75,000 से ज़्यादा लोग इसमें जो पहुंच चुके थे, इसलिए वेबसाइट का जो पूरी क्या है कि डाउन हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को टेंशन मत लीजिए, लेकिन जिसका भी अभी भी रोजगार पंजीयन है तो मेरे भाई आप है जो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, अपना है जो पुलिस का फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।